Good morning, students of class 12th. Today, we will begin with the lesson, The Third Level, written by Jack Finney from the book Vistas. The third level is the story of a man named Charlie who wants to escape from the insecurities and tensions of life and wants to go back to the world of the 19th century where people were happy and pleasant. यह एक आदमी चार्ली की कहानी है जो अपने परेशानियों से और इनसिक्योरिटीज से भागना चाहता है और 19वीं शताब्दी की दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पे लोग खुश थे। यहाँ पे चार्ली इस कहानी का नरेटर है, उसकी वाइफ का नाम लूसिया है और उसका दोस्त का नाम है सैम। अब हम आगे कहानी पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आती जाएंगी। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट वेयर ओनली टू बट आई से देयर वर थ्री बिकॉज आई हैव सीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे ये कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहेंगे कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, मतलब ये एक तरह का ये मेट्रो स्टेशन है जिसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल्स होती हैं। हालांकि यहाँ पे दो ही लेवल है न्यूयॉर्क सेंट्रल में, लेकिन वो कहता है ये चार्ली कि यहाँ पे तीन लेवल्स है जहाँ पे एक अलग दुनिया में वो गया था 19वीं शताब्दी की दुनिया में। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट आई सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो चार्ली कहता है कि वो उसका एक साइकेट्रिस्ट दोस्त था जिसका नाम है सैम, उसने इसके बारे में जिक्र किया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीन लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो जो सैम है वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं जिसको तुम पूरा करना चाहते हो वो तुम्हें दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन माई वाइफ ऑफ मैड But he explained, he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And that I just want to escape. अब ये जो ये बात सुन के जो उसकी जो वाइफ थी चार्ली की वो बिल्कुल घबरा जाती है, पागल जैसी हो जाती है। तो सैम उसको समझाता है कि आदमी जो है जिस दुनिया का जो मॉडर्न वर्ल्ड का आदमी है वो अपनी इनसिक्योरिटी डर परेशानियों से परेशान होकर वो भाग इस दुनिया से भागना चाहता है। वेल हु डजंट, ऐसा हर आदमी चाहता है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहता है कि ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से भागना चाहते हैं लेकिन वो कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं जाते हैं। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. तो ये चार्ली कहता है कि उसके जो दोस्त कहते हैं कि जो उसका जो stamp collection की hobby है वो भी एक दुनिया से भागने का एक तरीका है। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in those days. कह रहा है कि उसके grandfather की भी hobby थी stamp collection की, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से भागना चाहते थे। I hear it's a nice collection too, blocks of four of practically every U.S. issue. First they cover and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. वो कहता है कि अपने सपोर्ट में कहता है कि President Roosevelt जो अमेरिका के थे उनकी भी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। Anyway, here's what happened at Grand Central. अब वो ग्रैंड सेंट्रल की कहानी बताता है। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. वो कहता है कि एक दिन एक गर्मी का दिन था और वो अपने ऑफिस से लेट निकला था और उसको जल्दी घर पहुंचना था। तो उसने जो सोचा कि हम जो सबवे है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक छोटा सा रास्ता था उससे हो कि अगर निकलेंगे तो हम जल्दी घर पहुँच जाएँगे। Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie,
31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. वो कहता है कि आज हमें नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। कह रहा है कि वो एक साधारण सा आदमी है जिसका नाम चार्ली है और वो 31 साल का है और वो एक गारबर्डीन का सूट पहना हुआ है और एक फैंसी हैट लगाए हुए है। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माय वाइफ। तो कहता है कि हम एक साधारण से आदमी हैं जो और अपने घर के जाने की जल्दी है और कई कई दर्जन आदमी से के अगल बगल होते हुए हम गुजर रहे हैं। आई वॉजन ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग। और कह रहा है हमें दुनिया छोड़ के भागने का कोई इरादा नहीं है, हमें सिर्फ घर जाने की जल्दी है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। वो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल से वो टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो ग्रैंड सेंट्रल को जाता है एंड वेंट डाउन द स्टेप्स और सीढ़ियों से वो नीचे जाता है टू द फर्स्ट लेवल और फर्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है। वे यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर 20th सेंचुरी की ट्रेन्स चलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। अब वो सेकेंड लेवल पर चला जाता है। वे द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्राम डक्ट इन टू एंड आर्च डोर्स वे हेडिंग फॉर द सबवे। अब वहाँ पर सबर्बन मतलब जो शहर के बाहर की ट्रेन्स हैं वो सेकेंड लेवल से जाती हैं और वह एक छोटा सा आर्च डोरवे वहाँ पर इसको दिखाई देता है, आर्च के शेप में बना हुआ दरवाज़ा था, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। और वो उसके अंदर चला जाता है। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल हम कई सौ बार गए होंगे, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज। और जब भी जाते हैं उसको एक नया रास्ता दिखाई देता है या नई सीढ़ी दिखाई देती है। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। वो बताता है कि एक बार वो ग्रैंड सेंट्रल से होता हुआ एक टनल में घुस जाता है और वहाँ से वो रूजवेल्ट होटल पहुँच जाता है। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. और अगली बार वो एक office building में चला जाता है 46th Street पर, जो 46th Street पर था। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. वो चार्ली सोचता है कि अब उसको कभी कभी लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह से बढ़ता जा रहा है, उसके नए नए कॉरिडोर वरेंडा स्टेयरकेस ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि पेड़ की जड़ बढ़ती है। दिस इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट वे अंडर द सिटी राइट नाउ एज इट वेज टू टाइम स्क्वायर। वो कहता है कि वहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर एक टनल है जो उसको टाइम स्क्वायर तक ले जाएगा एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट अ वे ऑफ स्केप। और कह रहा है कि बहुत से सालों से ग्रैंड सेंट्रल लोगों के लिए इस दुनिया से भागने का एक रास्ता रहा होगा। एंड दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। और फिर इस तरह से वो एक टनल में घुस जाता है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन वो अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को उसके बारे में नहीं बताता है। The corridor I was in began angling left and slanting downwards. अब वो कहता है कि जो कॉरिडोर था, वरेंडा था जहाँ पे वो चला गया, began angling left, मतलब वो बाएं तरफ मुड़ता है and slanting downwards और नीचे की तरफ जाता है। And I thought that was wrong, but I kept on walking. लेकिन वो आगे उस पर चलता चला जाता है। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. I didn't pass a soul. उसको सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और कोई भी दूसरा आदमी वहाँ पे उसको दिखाई नहीं देता है। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर हेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब वो आगे जब देखता है कि आगे जाता है तो उसको दिखाई देता है कि समझ में आता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। और जो टनल है वो तेज़ी से लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। वो कहता है कि हम थोड़ा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। उसको एक कुछ समय के लिए तो लगता है कि वो सेकेंड लेवल पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे वो आके देखता है कि जो कमरे हैं बहुत छोटे हैं।
देर वे फ्यूअर टिकट विंडोज़, यहाँ पे जो टिकट के विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, वो भी बहुत कम हैं। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने पुराने ज़माने का लकड़ियों का बना हुआ वहाँ पे इंफॉर्मेशन बूथ वगैरह है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है पुराने ज़माने के ड्रेस में बैठा हुआ है और पुराने ज़माने की जो मेकअप होता है उससे वो की लगाए हुए है। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, कह रहा है कि वहाँ पर जो लाइट्स थी वो काफ़ी हल्की थी और फ्लिकरिंग मतलब जलती जल बुझ रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट, कह रहा है कि वहाँ पर गैस लाइट थी, मतलब गैस के जो जैसे लैंटर्न होते हैं वो सब वहाँ पर थे क्योंकि वो पुराने ज़माने में पहुँच गया था। देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर अक्रॉस द स्टेशन, कह रहा है कि ब्रास के बने हुए स्पिटून्स मतलब थूकदान थे। अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आईज, कह रहा है कि एक जगह पे उसको थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपने जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, ही वोर अ डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट लगाए हुए था एंड अ ब्लैक फोर बटन सूट, और चार बटन वाला सूट पहने हुए था। एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, उसके बड़ी बड़ी मुस्टैच मतलब उसकी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, उसको जब और से और लोगों की तरफ देखा तो उसको लगा चार्ली को कि और जो लोग हैं वो भी 1890 की में जैसी ड्रेस पहनी जाती थी वैसे ड्रेस वो पहने हुए हैं। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ, वो कहता है कि जो अब जो 20वीं शताब्दी में जो वो किसी शताब्दी में है तो उसको इस तरह के दाढ़ी के लोग और साइड बर्न्स मतलब वो और फैंसी मुस्टैच के लोग नहीं दिखाई देते हैं। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ अ हाई बटन शूज़, और वो जो औरत दिखाई दी वो भी उसको पुराने ज़माने के कपड़े जैसे पहनते थे उसमें वो पहनी हुई थी। बैक ऑफ अ वर्स ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, कह रहा कि जो लोकोमोटिव था मतलब जो इंजन था ट्रेन का वो भी करियर एंड आइव्स कंपनी का बना हुआ था और बहुत ही पुराने ज़माने का जैसे स्टीम इंजन होता है उस तरह का था, उस पर धुआं निकलने के लिए एक चिमनी भी था, फनल शेप्ड स्टैक। To make sure, I walked to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. वो आगे जाके देखता है कि एक लड़का अखबार बेच रहा है तो वो उसके पास जाता है। वो देखता है कि उसका it was the world and the world hasn't been published for years. वो कह रहा है कि उसके पास एक the world नाम का newspaper है जो कि बहुत सालों से publish नहीं हुआ है। The lead story said something about President Cleveland. और उसमें जो लीड स्टोरी थी कहानी में जो न्यूज़पेपर में जो मुख्य न्यूज़ था वो एक प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था जो 1894 में हुआ करते थे। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड June 11, 1894, उस अखबार पे June 11, 1894 की डेट पड़ी हुई थी। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States and we wanted to go. अब वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ता है और सोचता है कि अब वो अपने वाइफ के लिए और अपने लिए एक टिकट खरीद ले जिससे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में 1894 में कहीं भी जा सकता है। इन द ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉयस, एक स्टेट है अमेरिका में, उसको वहाँ पर इसकी एक शहर है गेल्सबर्ग, तो वहाँ वो जाना चाहता है। हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, वो कहता है कि वो बहुत ही पुराना सा शहर है जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े लॉन्स हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and talking quietly. वो कहता है कि 1894 में गर्मियों में शाम में लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, आदमी लोग सिगरेट पीते हैं और सिगार पीते हैं। एंड वुमेन वेविंग पाम लीव्स, औरतें हैं वो पाम के पत्ते का, ताड़ के पत्ते का पंखा जलती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायर फ्लाइज एक कीड़ा होता है वो उड़ता रहता है। इन द पीसफुल वर्ल्ड टू बी बैक हियर
with the First World War still 20 years off and the World War Second over 40 years in the future. अभी 1894 की कहानी है, तो यहाँ पर अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 साल आगे हुई होगी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 साल आगे होगी. आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट. अब 1894 की दुनिया में चला गया है चार्ल्स, तो वो चाहता है कि दो टिकट खरीद ले. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे. तो जो टिकट जो है टिकट वाला जो क्लर्क है उसको बताता है कितने पैसे लगेंगे. तो वो अपने जेब में देखता है कि उसके लिए उसके पास दो टिकट जाने के भर का पैसा तो है. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल्स. अब जब वो पैसे निकालता है तो वो जो क्लर्क है उसके तरफ बड़े ध्यान से देखता है. दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार. तो वो जो क्लर्क है बुकिंग क्लर्क वो कहता है कि ये जो पैसे दिखा रहे हो ये पैसा तो आज कल चलता नहीं है और तो भाई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग. उस समय का जो पैसे थे वो ओल्ड स्टाइल के थे और आजकल के पैसे से बहुत ही अलग थे. आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. और वहाँ से वो तेज़ी से निकल के बाहर आता है. There is nothing nice about jail even in 1894. सोचता है कि अगर हम कहीं फ्रॉड में पकड़ गए गलत करेंसी देने में तो हमें जेल हो जाएगी. और चाहे वो 1894 हो या 21st सेंचुरी हो, जेल में जाना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड दैट वॉज दैट. आई लिव द सेम वे. आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. अब वो वापस अपने शहर में आ जाता है और अगले दिन $300 अपने बैंक से निकालता है. Nearly all we had and bought old style currency. अब वहाँ से पुराने तरह की करेंसी से वो इसको एक्सचेंज कर लेता है. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. कह रहा है कि पुरानी करेंसी के लिए किसी भी डीलर से एक ले सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है. माई $300 bought less than 200 in old style bills. और कह रहा है कि $300 से पुरानी करेंसी का उसको केवल $200 ही मिल पाए. बट आई डिडंट केयर. एग्स वे 13 सेंट्स अ डजन इन 1894. कह रहा कि हम परवाह नहीं किए क्योंकि जो 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 अंडे को दाम थे वो केवल एक डजन 13 सेंट्स में मिलते थे 1894 में. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट रीच टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ. अब वो कहता है जब पैसे चेंज करने के बाद जो जाता है तो कभी भी उसको सोचता है कि अब हम थर्ड लेवल पे फिर से पहुंच जाएं तो वो पहुंच नहीं पाता है. लोइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड आई डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड. तो जो अपनी वाइफ लोइसा है उसका जो बताता है थर्ड लेवल के बारे में तो काफ़ी चिंतित हो जाती है. एंड आई डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल. कहती है अब तुम थर्ड लेवल के खोज में मत जाओ. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स बट नाउ वे बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. अब उसको ये विश्वास हो गया था कि थर्ड लेवल तो है ही. माई फ्रेंड सैम वीमर डिसअपियर्ड, नोबडी न्यू वेयर. अब उसका जो अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड जो सैम था उसको बता चुका था तो वो फ्रेंड जो है वो गायब हो जाता है. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. वो क्योंकि वो गेल्सबर्ग के बारे में बताया हुआ था वो उस अपने फ्रेंड सैम को. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894. अब वो जो सैम है वो 1894 में दुनिया में चला गया है. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वॉट अ थर्ड लेवल कवर फर्स्ट डे कवर इज. तो वो एक दिन वो पुराना स्टैम्प निकालता है और पूछता है क्या कि फर्स्ट डे कवर कैसा होता है. When a new stamp is issued, stamp collectors buy someone and use them to mail envelopes to themselves on the first day of the sale. क्या वो बताता है कि फर्स्ट डे कवर में क्या होता है कि जब कोई नया स्टैम्प निकलता है तो उसके लिए एक फर्स्ट डे कवर मतलब एक एनवेलप मिलता है उसके साथ और लोग क्या करते हैं उसको स्टैम्प को डाल के अपने उसमें एनवेलप पे अपना एड्रेस लिख के स्टैम्प करा के उसको अपने घर में भेज देते हैं. इससे पता चलता है कि वो ऑथेंटिक स्टैम्प है इस डेट का निकला हुआ. The envelope is called the first day cover.
They are never opened. You just put blank paper in the envelope. That night among my oldest birthday covers, I found one that shouldn't have been there. अब उस रात में जब वो ओल्ड अपने स्टैम्प्स को देखता है तो एक पुराना फर्स्ट डे कवर उसको मिलता है. बट देयर इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. और उस पर जो फर्स्ट डे कवर था उसके ग्रैंडफादर के नाम से एड्रेस लिखा था और गेल्सबर्ग जहाँ से ग्रैंडफादर रहते थे वो वहाँ का एड्रेस लिखा था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894. उस पर जो डेट थी वो जुलाई 18, 1894 की थी. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड. और जो स्टैम्प पे प्रेजिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो लगी थी अब वो काफ़ी डल हो गया था, मतलब वो काफ़ी हल्का पड़ गया था. नेचुरली वेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर. अब वो कह रहा है जब वो मेल उसके ग्रैंड फादर के पास आया तो वो उनके स्टैम्प कलेक्शन में जाके पड़ा रहा. द पेपर इन साइड वॉजेंट ब्लैंक इट रेड. उस पेपर में लिखा था 1941 विलर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 18, 1894. चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेयर राइट. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. अब ये जो एक वहाँ उसको एक लेटर मिलता है वो जो लेटर मिलता है वहाँ पे उसमें लिखा है उसको जो फ्रेंड सैम उसको लिखता है वो कहता है आई गॉट विशिंग दैट यू आर राइट. हम क्या वो कहता है कि तुम जो सोचते थे थर्ड लेवल के बारे में या 1894 की दुनिया में वो सही है. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. कह रहा हमें थर्ड लेवल मिल गया है. I've been here 2 weeks and right now down the streets of the Dailies someone is playing a piano. वो कह रहा है कि अब हम यहाँ पे थर्ड लेवल में आ गए हैं. 2 हफ्ते से यहाँ रह रहे हैं और हम यहाँ पे सुनते हैं कि एक आदमी पियानो बजाता है. And they are all out on the front porch singing seeing Nellie home. ये एक गाना है seeing Nellie home, वो आदमी गाता है. And I'm invited over for lemonade. Oh, उसको कोई लेमनेड एक ड्रिंक होता है लेमन मतलब नींबू का बना हुआ कोई उसको उसको पीने के लिए बुलाता है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा कीप लुकिंग लाइक टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. कह रहा है कि तुम लोग भी कोशिश करके थर्ड लेवल में आ जाओ और 1894 की दुनिया में आ जाओ. द नोट इज साइंड सैम. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट 800. अब वो जब वो स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जाता है तो वो उसको समझ में आता है कि जो सैम है उसने $800 वर्थ की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी है. $800 वर्थ की उसने ओल्ड करेंसी खरीदी थी. दैट ऑट टू सेट हिम इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस एंड ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू. और वो कहता है कि उसका जो फ्रेंड उसका $800 जो करेंसी खरीदी थी उससे वो थर्ड लेवल से होके 1894 दुनिया में चला गया है. And he certainly can't go back to his old business. Now in Gettysburg, Illinois, in 1894, his old business by Sam was my psychiatrist. अब वो सैम को जो साइकैट्रिस्ट था उसने उसकी सारी बातें उसने बता चूँकि बता दी थी उसका फ़ायदा उठा के उसका जो फ्रेंड है सैम है वो वहाँ पर चला जाता है. इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच.